Hello friends, today we are going to talk about a dedicated options trading app, Options Trader Python. So let's quickly go through it. We are on the home page of the Options Trader और यहाँ पे आप देख सकते हैं Nifty 50 और Nifty Bank pinned है, उसी के साथ आपको उनका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस और Nifty 50 या Bank Nifty के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स कितने एडवांस हैं या डिक्लाइंस में हैं ये भी बता रहे हैं। उसी के नीचे आपको क्विक डिस्कवरी फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जो आपको फिन निफ्टी, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी की डिस्कवरी बताता है। नीचे सिमिलर डैशबोर्ड आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में है एंड कमोडिटीज एंड करेंसी के बारे में भी है। अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग के डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है OI मूवर्स। जैसे ही आप OI मूवर्स पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे फिन निफ्टी में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है उसका लिस्ट आ जाता है। यहाँ पे आप फिन निफ्टी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलर आप पेज आपको OI लूजर्स का भी मिलेगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। लेट्स गो बैक टू द होम पेज अगेन। सिमिलर पेज आपको प्राइस मूवर्स का मिलेगा जो आपको प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स भी बताएगा, सबसे ज्यादा प्राइस चेंज कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा प्राइस कम कहाँ पर हुआ है। देन आपको यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई एंड ओपन इक्वल टू लो भी बताएगा एक्सट्रीम ओपनिंग्स। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फिन निफ्टी के किन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आज का ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस सेम है। दैट मींस जब से वो ओपन हुआ है आज वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है, इट्स अ बियरिश कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं ओपन इक्वल टू लो पर क्लिक करता हूँ तो ये बताता है कि आज का ओपनिंग प्राइस और उसका लोएस्ट प्राइस सेम है एंड ओपन होते ही वो प्राइस ऊपर बढ़ा है। दैट मींस ये अपने ओपनिंग प्राइस से बुलिश है। सिमिलर आपको यहाँ पे एक डिस्कवरी या फिर क्विक नेविगेशन ऑप्शंस चेन का भी मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइजेस हैं, LTP और ओपन इंटरेस्ट भी दिखेंगे बोथ फॉर कॉल्स एंड पुट्स। ऊपर से आप नई अपनी एक्सपायरी डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉल सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे OI एंड LTP के अलावा वॉल्यूम और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डेटा भी मुझे दिखता है। एंड आई विल गो बैक एंड क्लिक ऑन द पुट्स तो सेम तरह का डेटा मुझे पुट्स के लिए भी दिखेगा। नीचे आपको कुछ और इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दिख रही है, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल ओपन इक्वल टू H, ओपन इक्वल टू L, दैट इज ओपन इक्वल टू हाई एंड लो, हाईएस्ट OI, हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट IV, हाईएस्ट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। जैसे ही मैंने इन पे क्लिक किया तो ये कुछ टैग्स यहाँ पे आ गए हैं। OI में OI के टैग्स आ गए हैं, ओपन इक्वल टू हाई प्राइस के टैग्स में आ गए हैं। अगर मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट IV देखना है तो ये भी मुझे अंदर मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 20,000 के कॉल पर है, अराउंड 5.54 करोड़ वॉल्यूम। अगर मैं IV देखूंगा तो IV थोड़ा सा डीप होता है, दूर होता है, लाइक यहाँ पे हाईएस्ट IVs मुझे नीचे 22,200, 300, 400 के अराउंड दिख रहे हैं, राइट? ये सारे इनसाइट्स आपको ऑप्शन चेन पर मिल जाएंगे। लेट्स गो बैक अगेन ऑन द होम पेज। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन है, दैट इज फ्लैश ट्रेड। नाउ दिस फ्लैश ट्रेड इज स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर स्कैल्पर्स हु डू ऑप्शंस बाइंग। ओके, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप फिन निफ्टी या निफ्टी 50 किसी में आप इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं और आपका व्यू बनता है बुलिश या बेरिश एंड यू वांट टू ट्रेड इट। आइदर यू कैन नॉट ट्रेड इंडेक्स डायरेक्टली, सो यू कैन आइदर ट्रेड फ्यूचर्स, बट फ्यूचर्स के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ओके, जैसे अगर आप बुलिश हैं, यू वांट टू बाय द इंडेक्स, तो आपको बता रहा है कि आप ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन? तो यहाँ पे तीन तरीके के आपको क्राइटेरिया दिए हैं सेलेक्ट करने के। आइदर एट द मनी ऑप्शन आप बाय कर लीजिए, हाईएस्ट OI का ऑप्शन बाय कर लीजिए, या मोस्ट ट्रेडेड हाईएस्ट वॉल्यूम वाला आप ऑप्शन बाय कर लीजिए। अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं कि नहीं एट द मनी नहीं, मुझे थोड़े से एडजस्टमेंट करना है, तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। सिमिलरली हाईएस्ट OI के एडजस्टमेंट्स करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नहीं, मुझे सेकेंड हाईएस्ट OI का ऑप्शन ट्रेड करना है एंड जस्ट इस एग्जीक्यूट इंस्टेंटली पे क्लिक करके आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दीजिए। सिंस आपने बुलिश व्यू रखा था तो आपको कॉल सजेस्ट किए जा रहे थे, अगर आप बेयरिश व्यू रखते हैं तो आपको पुट्स सजेस्ट किए जाते हैं और आपको पुट्स भी बाय करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक डेडिकेटेड ऑप्शंस डैशबोर्ड। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सारे इंडेक्स के ऑप्शंस और स्टॉक्स के ऑप्शंस का एक डैशबोर्ड आ जाता है जो बताता है टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके OI गेनर्स लूजर्स, प्राइस गेनर्स लूजर्स, सारे इंडेक्सेस के ऑप्शन चेन का क्विक शॉर्टकट्स। साइड में टॉप 100 ऑप्शंस भी मिलेगा कि मोस्ट ट्रेडेड टॉप 100 सारे ओवरऑल ऑफ द मार्केट कौन से हैं। मूवर्स मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा मूव कौन से ऑप्शंस हुए हैं, एंड सारे ऑप्शंस की लिस्ट भी अगर आपको देखना चाहते हैं
तो वो सारे ऑप्शंस की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये सारे FNO स्टॉक्स और ट्रेडेबल इंडेक्स की लिस्ट है। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में जैसे हमने ऑप्शंस में देखा था OI मूवर्स या प्राइस मूवर्स, वो सेम OI मूवर्स एंड प्राइस मूवर्स यहाँ पे आपको फ्यूचर्स के लिए भी मिलेगा। जैसे OI गेनर सबसे ज्यादा मेट्रोपोलिस में हुआ है, OI लूजर सबसे ज्यादा यहाँ पे आई एम श्योर HCL टेक्नोलॉजी में हुआ है, प्राइस गेन सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स में हुआ है आज, प्राइस लूज सबसे ज्यादा बंधन बैंक में हुआ है। ये सारे FNO स्टॉक्स से अगर आप चाहें तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी के स्टॉक्स भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे प्रीमियम फ्यूचर्स एंड डिस्काउंट फ्यूचर्स बता रहा है। अगर आप फ्यूचर्स के प्रीमियम या डिस्काउंट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि फ्यूचर्स प्राइस अंडरलाइन के बेसिस पे ज्यादा है या कम है। अगर वो ज्यादा होगा तो वो प्रीमियम फ्यूचर्स की कैटेगरी में आएगा, अगर वो कम होगा तो वो डिस्काउंट फ्यूचर्स की कैटेगरी में आएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जिससे मुझे दिख रहा है कि बॉश लिमिटेड आज डिस्काउंट में है या अपने अंडरलाइन प्राइस से कम प्राइस पे आज ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, TCS भी कम प्राइस पर है, बाटा इंडिया का अक्टूबर फ्यूचर, ये एवरीथिंग ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसी तरीके का एक डैशबोर्ड, फ्यूचर्स डैशबोर्ड भी बनाया हुआ है जो आपके इंडेक्स फ्यूचर्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स के टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट देता है और कुछ शॉर्टकट्स भी देता है फॉर OI गेनर्स लूजर्स। सारे टूल्स जो हमने बाहर देखे उन सबका कंसोलिडेटेड वर्जन यहाँ पर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसी तरीके के कुछ शॉर्टकट्स कमोडिटीज के लिए हैं। एनर्जी में अगर मैं क्रूड ऑयल पे क्लिक करूंगा तो इसका फ्यूचर्स, उसके ऑप्शंस, उसके ऑप्शन चेन, नेचुरल गैस के लिए देखना है तो यहाँ पे नेचुरल गैस, आगे सिल्वर मिली, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेम डैशबोर्ड हमने यहाँ पे करेंसी के लिए बनाया है, जैसे USD INR के फ्यूचर्स, उनकी ऑप्शन चेन और ऑप्शन के पेजेस एंड बाकी की भी INR पेयर्स यहीं पर लिस्टेड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द होम पेज और किस तरह से आप क्विक डिस्कवरी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे वॉचलिस्ट, पोजिशंस, ऑर्डर्स, इन पर भी मैं लेकर चलूंगा, बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन टू द लास्ट सेक्शन, दैट इज स्ट्रैटेजी, जो इस ऐप का एक यूनिक फीचर जितने भी है वो इसी सेक्शन में है। मैं क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा द फर्स्ट फीचर दैट ओपन्स इज द बिल्डर, द स्ट्रैटेजी बिल्डर। यस, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में ही ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी, या अगर आपको कोई और भी सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे TCS सेलेक्ट करता हूँ तो मैं TCS की भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना सकता हूँ। विल क्रिएट द स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी 50 ओनली। डिफॉल्ट में यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएटेड है, आप देख सकते हैं कि कुछ लेग्स यहाँ पे आई है कि निफ्टी 19th अक्टूबर 1950 का कॉल और 19,850 का कॉल सेल किया है। यहाँ पे उनकी क्वांटिटीज आप इनपुट कर सकते हैं प्लस या माइनस करके, नीचे उसको कॉल लेना है या पुट लेना है इस पर टैप करके आप वो भी चेंज कर दीजिए। एक्सपायरी डेट चेंज करना है, यहाँ से एक्सपायरी डेट चेंज होगी। स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है, यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दीजिए। अगर आपको एंट्री लिमिट प्राइस पे लेनी है तो ये प्राइस आप इनपुट करिए, अगर मार्केट पे लेनी है तो इसको आप टिक कर दीजिए, मार्केट प्राइस हो जाएगा। ओके, आप इसको ऊपर या नीचे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं यहीं से। ओके, इफ़ यू वांट टू डिलीट आप इस पर टैप करिए, यहाँ पे डिलीट लेग का ऑप्शन भी है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपनी कोई और लेग ऐड करनी है तो इसके आप डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको कुछ तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वन इज टैप टू ऐड, आई विल टैप ऑन इट, यहाँ पे बता रहा है व्हाट आई वांट टू ऐड, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी करना है, एक्सपायरी डेट क्या लेना है मुझे, स्ट्राइक प्राइस क्या, आई कैन चेंज स्ट्राइक प्राइस एंड इस पर ऐड पे क्लिक करूंगा, दिस हैज बीन एडेड टू माय स्ट्रैटेजी। एक ये तरीका है। दूसरा एक तरीका है, मैं इस न्यू पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा एक कॉम्पैक्ट ऑप्शन चेन का वर्जन ओपन होगा जिसमें बता रहा है कि दीज टू लेग्स आर ऑलरेडी एडेड, अगर कोई और मुझे ऐड करना है जस्ट टैप ऑन इट, बाय करना है सेल करना है, आई वॉन्ट टू बाय, और वो ऐड हो गया है। ये एक सेकेंड तरीका है। एक तीसरा तरीका और है और वो थोड़ा और शॉर्टकट तरीका है, दैट इज फास्ट क्रिएट। इफ आई क्लिक ऑन इट, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि व्हाट स्ट्रेटेजी आई वांट टू बिल्ड, आई वांट टू बिल्ड बुल कॉल स्प्रेड और कॉल रेशियो स्प्रेड। जैसे मुझे एक शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरा ये शॉर्ट स्ट्रेडल क्रिएट होके बन गया है। जब भी मैं कुछ क्रिएट करूंगा, अभी मैं यहाँ पे फिर से एक बुल कॉल स्प्रेड ही क्रिएट करता हूँ, ये बुल कॉल स्प्रेड बन गया। मैं कुछ भी चीज क्रिएट करूंगा, क्रिएट करने के बाद आई कैन स्वाइप इट एंड एग्जीक्यूट माय पोजीशन। यहाँ पे आपके लॉट मल्टीपल्स भी हैं और मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है आपकी इस स्ट्रैटेजी का, वो भी आपको यहीं पे सामने दिख जाएगा। ओके, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसका पे ऑफ ग्राफ भी साइड में बनता जाएगा और यहाँ पे आपको उसका PNL भी दिखेगा कि PNL ऑन द एक्सपायरी डे या PNL टुडे क्या रहने वाला है, नीचे लेजेंड से आपको क्लियरली इंडिकेट हो सकता है।
आपको उसके स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज करना है तो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन भी चेंज कर सकते हैं। इसी ग्राफ के ऊपर अगर आपको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है तो यहाँ पे शो ओपन इंटरेस्ट और आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के कॉलम चार्ट्स भी दिख जाएंगे जो आपको बताएगा कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है और कितना है। पर्पल कलर इज फॉर द पुट एंड येलो कलर इज फॉर द कॉल्स। और उसी तरीके से ओआई चेंज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओआई चेंज का ग्राफ है। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको मोर ऑप्शंस में यहाँ पे आप उसका टारगेट डेट भी चेंज कर सकते हैं, स्ट्राइक बाय हाई भी चेंज कर सकते हैं, उसको रीसेट कर दीजिए और सिंपली एक क्लिक से एग्जीक्यूट कर दीजिए और उसी के नीचे आपको उसका पीएनएल टेबल भी दिखेगा। नेक्स्ट, इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप वहां से पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी का, आप उसका स्ट्रैटेजी चार्ट भी देख सकते हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसका चार्ट दिख रहा है, उसका प्राइस, साथ में सिंस ये निफ्टी 50 की मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाई है तो निफ्टी 50 का लाइन चार्ट भी दिखा रहा है मुझे पिछले कुछ 5-6 दिनों का। आप नॉट ओनली स्ट्रैटेजी चार्ट, आप उसका मल्टी स्ट्राइक ओआई ग्राफ भी देख सकते हैं। मैंने 2 लेग्स से तो मैंने दोनों लेग्स के ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से मूव हो रहे हैं ये भी दिखा रहा है। ओके, नीचे मेरा उसका पे ऑफ सिमुलेशंस भी है कि मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, मैक्स लॉस क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होगा, इस स्ट्रैटेजी के ग्रीड्स कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस पूरे ऐप में मिल जाएगा। सो कम्प्लीटली आपका स्ट्रैटेजी बिल्ड करने का एक्सपीरियंस राइट फ्रॉम क्रिएटिंग, एनालाइजिंग, सेविंग एंड एग्जीक्यूशन पूरा आपको इस ऐप में हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी बिल्डर एंड ऑप्शन ट्रेडर ऐप। Next is pre-built strategies or ready-made strategies. So we have created few of the popular strategies like bull call spread, call ratio spread, straddle, strangle, iron butterfly. ये सारी लिस्ट यहाँ पे, अगर आपको उसको डिस्कवर करना है बेस्ड ऑन की बुलिश स्ट्रैटेजी कौन सी है, बियरिश कौन सी है, नॉन डायरेक्शनल या एनी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो उसका टैब भी हमने यहाँ पे बनाया है। If I go and click on the put ratio spread, मेरे सामने लिस्ट आ जाता है, ऊपर से मैं एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है और ब्रेक इवन प्राइस क्या होगा। इफ आई टैप ऑन इट तो मुझे यहाँ पे और दिखेगा कि मैक्स प्रॉफिट कितना है, मैक्स लॉस कितना है। इफ आई हाइड तो फिर मेरा ये वाला टैप भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे कुछ CTAs हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी बिल्डर में लोड करके एनालाइज कर सकता हूँ, पे ऑफ ग्राफ वगैरह, या फिर अपने कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ लेग्स ऐड करना है, हेजेस क्रिएट करना है, एडजस्टमेंट्स बनाना है, वो भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे इसको अगर सेव करना है एज अ बास्केट तो मैं बास्केट ऑर्डर्स में इसको सेव भी कर सकता हूँ, और अगर एग्जीक्यूट करना है तो आई क्लिक ऑन एग्जीक्यूट, इट विल टेक मी ऑन द एग्जीक्यूशन पेज जो बताएगा कि ये लेग्स आपके एग्जीक्यूट होने वाला है, एंड देन फिर से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपके एक और थॉट्स हैं तो यहाँ पे उसका पे ऑफ ग्राफ भी है एंड जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी बटन टू एग्जीक्यूट दिस। नेक्स्ट इज मार्केट आउटलुक। तो ये आपको आज बताएगा कि आप आज आपका मार्केट का आउटलुक कैसा है, आप मार्केट को आज कैसे देख रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको लगता है निफ्टी 50 आज ऊपर जाएगा दिस एक्सपायरी के लिए एंड आपका टारगेट ये है, जस्ट क्लिक ऑन द ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, इट विल गिव यू द रिजल्ट किस स्ट्रैटेजी को आपको ट्रेड करना चाहिए जो आपके मार्केट व्यू या मार्केट आउटलुक को मैच करता है, एंड सिंपली यू कैन लोड इट इन द बिल्डर और सेव इट बास्केट और सिंपली एग्जीक्यूट इट। नेक्स्ट इज एनालाइज सेक्शन जो आपको बताता है कि आपकी स्ट्राइक वाइज निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या फिन निफ्टी के स्ट्राइक वाइज कॉल्स और रेशियो का वॉल्यूम बेसिस पे क्या रेशियो चल रहा है, कॉल्स एंड पुट्स का वॉल्यूम बेसिस पे क्या रेशियो चल रहा है। ओके, सेम रेशियो में ओपन इंटरेस्ट का भी देख सकता हूँ पुट कॉल रेशियो के फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट भी दिखा रहा है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी सेक्शन। द नेक्स्ट इज विल गो टू वॉच लिस्ट। यहाँ पे सिंपली जो वॉच लिस्ट आप बनाते हैं वो जो धन के ऐप या वेब में कहीं भी बनाई होगी वो सारी वॉच लिस्ट आपकी यहाँ पे बनकर आ जाएगी, वो सेम सिंक्रोनाइज रहेगी। यहाँ पे टॉप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लाइव मार्केट स्कैनर्स भी हैं यहाँ पे जो धन के वेब में भी अवेलेबल है, धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में लाइव मार्केट स्कैनर है जो ये बताता है राइट नाउ मार्केट इज क्लोज, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू कि अमंग द एफएनओ स्टॉक्स या निफ्टी 500 स्टॉक्स इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मैच होती है तो वो स्टॉक्स यहाँ पे आपको दिखने लगता है। सो आप कंटिन्यूसली वो लाइव फीड की तरह चलता है। जैसे अगर आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप 52 वीक हाई पे अगर कोई भी स्टॉक जाता है तो यू गो एंड बाय इट, बट यू कैन नॉट ट्रैक ऑल द निफ्टी 500 स्टॉक्स, उनके चार्ट्स तो देख नहीं सकते हैं, राइट? आप अलर्ट्स भी कितने लगाएंगे। सो आपके लिए ये फीचर सही रहेगा कि जैसे ही निफ्टी 500 स्टॉक में अगर कोई भी 52 वीक हाई ब्रीच करता है तो वो आपको स्टॉक का लिस्ट इस फीड में देख जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज लाइव मार्केट स्कैनर। नेक्स्ट इज स्कैन्स। ये स्कैन्स बहुत अच्छा फीचर है
जो आपको ऑप्शंस के ट्रेंड्स बताता है कि बुलिश ट्रेंड में ऑप्शंस कौन कौन से हैं और इन द मनी ऑप्शंस कौन से हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कौन से हैं। आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसका प्राइस, स्पॉट, ग्रीक सब कुछ दिखाएगा और आप उसको व्यू करके यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। सिमिलर आपको और भी ट्रेंड्स दिखेंगे, बियरिश ट्रेंड, बियरिश ट्रेंड पे भी आपको यहाँ पे कवर्ड पुट की स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेगा। अगर वहीं आप न्यूट्रल ट्रेंड पे जाते हैं तो न्यूट्रल ट्रेंड पे आपको स्ट्रैडल सजेस्ट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्टअप्स। तो आपको बताएगा कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग बिल्टअप्स हो रहे हैं या शॉर्ट बिल्टअप्स हो रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है या शॉर्ट अनवाइंडिंग हो रही है। दिस इज प्रीटी सिंपल। लॉन्ग बिल्टअप्स मींस प्राइस भी इंक्रीज हुआ है एंड ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है वहां पे, तो वहां पे देयर इज सम बुलिश एक्टिविटी हैपनिंग। शॉर्ट बिल्टअप लाइक प्राइस भी कम हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़े हैं, दैट मींस सम शॉर्ट एक्टिविटी इज हैपनिंग देयर। एंड सिमिलरली लॉन्ग अनवाइंडिंग्स की लाइक लॉन्ग्स निकले हैं शॉर्ट अनवाइंडिंग लाइक शॉर्ट्स कम हुए हैं मार्केट से। और उसी तरीके से यहाँ पे एक्टिव स्टॉक बाय पुट कॉल रेशियो, सबसे ज्यादा पुट कॉल रेशियो कहाँ पे होगा, और भी स्कैनर से लाइक इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी के बेसिस का स्कैनर की सबसे ज्यादा आईवी किस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में, प्रीमियम या डिस्काउंट्स एफएनओ स्टॉक्स और सभी के लिए है यहाँ पे, इंडेक्स के एनालिसिस का एक यहाँ पे स्कैनर है एंड एक्सट्रीम ओपनिंग दैट इज ओपन इक्वल टू हाई या ओपन इक्वल टू लो जो हमने बाहर भी देखा था वो यहाँ पे भी बन के आ गया। टेन सिंपल स्क्रीनर्स जो वॉल्यूम गेनर्स, मोस्ट एक्टिव ओआई गेनर्स, ओआई लूजर्स सभी की बातें करता है एंड ये आपका एक इंडाइसिस का पेज है। नेक्स्ट यहाँ पे एक माई एफएनओ का पेज भी है। नाउ व्हाट दिस माई एफएनओ इज, आप इस लिस्ट में अपने कोई भी स्टॉक को ऐड कर सकते हैं और इसको जब आप ऑन करेंगे तो इस स्कैन्स में जब आप सर्च करेंगे तो वही स्टॉक्स के रिजल्ट आएंगे जिन स्टॉक्स पे आप ये स्कैन्स लगाना चाहते हैं। आपको नहीं देखना अभी स्कैन्स में बहुत सारे आ रहे हैं, निफ्टी 50 भी आ रहा है राइट, बैंक निफ्टी का भी है, फिन निफ्टी का भी है, या फिर मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊं एक्टिव स्टॉक्स बाय पीसीआर, मुझे नहीं देखना है कोल इंडिया या एमसीएक्स या डेल्टा कॉप, तो ये आप माय एफएनओ में अपना स्टॉक ऐड कर दीजिए और उन्हीं स्टॉक्स के बारे में ये रिजल्ट देगा जो आपके माय एफएनओ लिस्ट में होगा। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट वॉचलिस्ट सेक्शन। नेक्स्ट इज पोजिशन सेक्शन। इट इज एज सिंपल एंड वैसा ही है जैसा धन ऐप में है, देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ पे आपको ग्रुप पोजिशन भी का भी ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपका मैनेज पोजिशन डिटेल भी आएगा जिसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अंदर जाकर लगा सकते हैं, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी है, आपकी पोजिशन होल्डिंग्स पोर्टफोलियो बास्केट एसआईपी ये सब कुछ धन ऐप से सिंक रहता है। यहाँ पे फंड सेक्शन है, मार्जिन का सेक्शन है, आप प्लेज का सेक्शन है, यू कैन प्लेज योर पोर्टफोलियो एंड हैव सम एक्स्ट्रा मार्जिन बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर सेक्शन। तो ये ऑर्डर सेक्शंस में आपको पेंडिंग ऑर्डर्स, आपके सक्सेसफुल ऑर्डर्स सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, फ्लैश ट्रेड जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, बास्केट ऑर्डर्स, आप ग्रुप ऑफ मल्टीपल बास्केट्स, आप ग्रुप ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स को साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग योर बास्केट ऑर्डर्स, फॉरएवर ऑर्डर जिसे हम जीटीटी बोलते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर इज सिमिलर टू एग्जैक्टली हाउ यू क्रिएट ड्राफ्ट इन योर मेल्स, कि लाइक आप प्रिपेयर और रेडी करके रखते हैं और जैसे ही सही समय आता है आप सिंपल एक क्लिक पे उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं या उसको भेज देते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर भी यही काम करता है। एंड देन हियर ट्रेडर्स डायरी जो आपको बताता है आपका प्रीवियस ट्रेड्स कैसे रहे हैं, आप यू कैन राइट नोट ऑन इट एंड योर पास्ट ट्रेड्स, ये सब कुछ हो गया। सो दैट वॉज ऑल फॉर द टुडे एंड धीरे धीरे इस ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप में और भी काफ़ी इंप्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट्स आते रहेंगे। जस्ट कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वॉट ऑल न्यू फीचर्स यू वॉन्ट इन दिस प्रोडक्ट। Thank you very much. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.